के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत किसी मिट्टी को तो हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार पे सुराख है साहब, जो ये दीवार पे सुराख है, ये चाइना अमेरिका चीन साजिशों का एक हिस्सा है, मगर हम तो इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्मानीय निर्णायक मंडलीय सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं श्रेयांशी यादव, देशभक्त और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। आजादी, आजादी का असली मकसद वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की होगी, लेकिन हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो और साल बनकर सन 1947 में हमारे देश को आजाद करवाई। प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान भारत के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ाते थे, लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ने को तैयार हो जाते थे, क्योंकि ये उस वक्त देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62-65 एकत्र युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर में ये हालात हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे ननिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, एक नहीं जिस्म की कई सारी बोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। महोदय हृदय से उस वक्त फट गए जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के जिगड़े को देखकर बोली कि साहब भर्ती में तो आप एक इंच भी कम नहीं लेते, तो फिर मैं आधी शरीर कैसे ले लूं। हमारा देश आज भी महिला सुरक्षा में चौथे स्थान पर आता है, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमें लड़कों से बात करता देख हमारे भाई हमें लड़काते हैं, और वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के खिस्से हमें घर पे हंस हंस के सुनाते हैं। मजदूर को मजबूर न समझिए, उसे दान न देकर काम दीजिए, और अगर दान देने के इतने इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और अपने अंतिम समय अपने अंगों का दान देकर मरते हुए को जीवन दान दीजिए। मैं ये नहीं मानती कि फेसबुक व्हाट्सएप की डीपी को तीन रंग में रंगना ही देशभक्ति है, और अगर आप इसे देशभक्ति कहेंगे तो महोदय मैं आपकी देशभक्ति है, और अगर आप इसे देशभक्ति कहेंगे तो महोदय मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बच्चा सड़क पर कड़ी धूप में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या वो उसकी देशभक्ति है? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने से मजबूर करती है, क्योंकि कहते हैं ना, न मस्जिद को जानते हैं ना सिवालों को, न मस्जिद को जानते हैं ना सिवालों को, साहब जो भूख के प्यासे होते हैं ना उतने बस रोटी के निवालों को जानते हैं। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और ना ही बहुत बड़ा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझको कि हिंदुस्तान में रहते